नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के जलजीवी धारचूला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर राजी जनजाति के लोगों को वनाग्नि से बचाव व आसपास औषधि पौधों की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व सीनियर सिविल जज विभा यादव ने बताया कि एक दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान राजी जनजाति के लोगों को वनाग्नि से बचाव व आसपास औषधि पौधों की उपयोगिता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। प्रशिक्षण में बरम के बंदरोगा कैलाश सिंह द्वारा वनाग्नि से बचाव, औषधि पौधों और वृक्षों की दैनिक जीवन में होने वाले प्रयोग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में किमतोला, गाढ़ा गांव, भक्तिवा और कमतोली के लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। पिथौरागढ़ के गंगुलियाट के लाली क्षेत्र में वन पंचायत की भूमि पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उड़ा हुआ मिट्टी डाले जाने से क्षेत्रवासियों में खासी नाराजगी व्याप्त है, जिस पर क्षेत्रवासियों ने शीघ्र वन विभाग से मामले में हस्तक्षेप करने व संबंधितों के खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामले को लेकर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता गौरव पंत ने एक ज्ञापन प्रभागी वनाधिकारी को सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मांग पर गौर न किए जाने पर क्षेत्रवासियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सौर्य जागरण यात्रा के सफल संचालन को लेकर पिथौरागढ़ रामला मैदान में विश्व हिंदू परिषद द्वारा विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों के साथ एक बैठक कर यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान यात्रा के स्वागत और अन्य व्यवस्थाओं आदि के बारे में चर्चा करने के साथ ही जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। बैठक में भीप जिलाध्यक्ष जगदीश पांडे, कैलाश जोशी, मुकेश भट्ट, हरीश कुमार, प्रकाश ठगुराठी, भावेश पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीण में प्रधानाध्यापक नवल पंत व एसएमसी अध्यक्ष शकुंतला देवी की उपस्थिति में समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय के बच्चों को निशुल्क गणवेश वितरित किए गए। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह, दीपा शर्मा, ममता बिष्ट, गोविंद नाथ, मोनिका बोरा, सुंदर सहित कई लोग मौजूद थे। दुकान में रखे मोबाइल फोन को चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। चमोली पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते दो दिवस पूर्व सुबन सिंह नेगी निवासी नारायणबगड़ ने थाना थराली में किसी अज्ञात द्वारा दुकान में रखे मोबाइल को चोरी किए जाने की तहरीर दी। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना उप निरीक्षक विनोद सिंह के सुपुर्द की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेशानुसार थानाध्यक्ष थरारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही जानकारी जुटाते हुए बीते दिवस आरोपी सुभाष शाह निवासी सुंदरगामा जिला सीतामणि बिहार को चोरी किए मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह वर्तमान में कंडवाल गांव में मजदूरी का कार्य कर रहा है तथा किराए के मकान में रहता है। मकान मालिक द्वारा गिरफ्तार आरोपी का पुलिस सत्यापन न कराए जाने पर थाना थराली पुलिस द्वारा मकान मालिक के विरुद्ध 83 पुलिस एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई करते हुए 5000 रुपये संयोजन शुल्क वसूला गया। अपनी जिंदगी से परेशान हुए एक व्यक्ति जो आत्महत्या करने जा रहा था कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते उसकी जान बचा ली। चमोली पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस एक व्यक्ति द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष में फोन के माध्यम से बताया गया कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं और अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूं। कंट्रोल रूम द्वारा इसकी जानकारी गौचर पुलिस चौकी को दी गई। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यक्ति के नंबर पर बात करते करते उसके द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे तो देखा कि व्यक्ति सारी गांव जाने वाली नदी पर बने पुल से नीचे रस्से पर लटका हुआ था। पुलिस द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए व्यक्ति को समझा बुझाकर ऊपर पुल पर सुरक्षित निकाला गया और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए गौचर चौकी लाकर भविष्य में पुनः इस तरह की गलती न करने को लेकर समझाया गया। पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों को लेकर व्यक्ति के परिजनों सहित अन्य लोगों ने काफी सराहना की है। पुलिस रेस्क्यू टीम में अपर उप निरीक्षक प्रदीप राणा, हेड कांस्टेबल भारत सिंह व कांस्टेबल सुनील शामिल थे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते आज दो मासूम किशोरियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धंधे में जाने से पहले ही बच गई और गोरख धंधे के मास्टरमाइंड दंपति सहित चार दलालों को पुलिस ने दबोच लिया। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार एसएसपी हरिद्वार परवेंद्र डोभाल के निर्देशन पर ऑपरेशन स्माइल के तहत संजय नगर टिवड़ी स्थित एक मकान में संदिग्ध गतिविधि होने के संबंध में मुखिया द्वारा दी गई सूचना पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर आज एक बड़ी सफलता टीम ने हासिल की। जानकारी जुटाने पर पुलिस को पता चला कि आरोपी दंपति किराए का मकान लेकर बीते कुछ दिनों से अपने साथ दो नाबालिग
लड़कियों को रखे हुए है। पुलिस टीम ने औचक छापेमारी की तो पता चला कि दोनों नाबालिग आपस में बहने हैं और अपने घर प्रयागराज से भागकर दिल्ली आई थी, जहां आरोपी आलोक ने उन्हें नौकरी लगाने का झांसा दिया और अपने साथ टिबड़ी स्थित अपने कमरे पर ले आया। दंपति ने लड़कियों को सच संवर कर धंधे के लिए तैयार रहने को रह कहकर 10,000 रुपये देने की बात कही थी। पूछताछ में पता चला कि आलोक की पत्नी कुछ दलालों से बातचीत कर सौदा फाइनल करने के लिए बाहर गई हुई थी। आरोपी आलोक को साथ लेकर पुलिस टीम ने सौदा करने वाली दूसरी पार्टी की घेराबंदी के लिए अपना जाल बिछाकर चंडीघाट पुल के पास से सेंट्रो कार में सवार आरोपी महिला सहित लड़कियों का सौदा करने आए प्रवीण, राम कुमार, अनस व अनवर अंसारी को हिरासत में लिया। पुलिस टीम में आरोपी आलोक की फरार पत्नी की तलाश में जुटी हुई है। चंडीघाट चौक के पास से गिरफ्त में आए आरोपियों से की गई पड़ताल में प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली कि आरोपी आलोक इस गिरोह को मैं समय समय पर लड़कियां और महिलाएं सप्लाई करता है, जिन्हें गिरोह सस्ते दामों में खरीद कर या उन्हें आगे बेच देता था या पैसे लेकर शादी करवा दी जाती थी। एएसटीयू टीम द्वारा कोतवाली रानीपुर में सभी आरोपियों को दाखिल कर की गई फर्द के आधार पर 17/18 पॉक्सो एक्ट सहित मामले से संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। सकुशल बरामद की गई किशोरियों के घर से संबंधित थाने से संपर्क करने पर जानकारी मिली कि परिजनों की शिकायत पर प्रयागराज में दोनों की गुमसुदगी दर्ज कर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दोनों बालिकाओं की तलाश की जा रही है। सूचना मिलने पर बालिकाओं के परिजन भी हरिद्वार पहुँच चुके थे। पकड़े गए आरोपियों में आलोक पुत्र सुरेश चंद्र शुक्ला निवासी ग्राम काली देवी मोहल्ला निकट रेलवे स्टेशन थाना गुमना जिला फरुखाबाद यूपी, प्रवीण पुत्र जय भगवान निवासी ग्राम सलीमपुर झबरेड़ा थाना नागल जिला बिजनौर यूपी, आलपता बिहारी कॉलोनी जमालपुर कनखल, पूजा पत्नी सतीश सकलानी निवासी थापा गली सेलाकुई जिला देहरादून, राम कुमार पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम खेड़ी थाना दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर हाल पता रेलवे फाटक गाजियाबाद, अनस पुत्र महमूद निवासी ग्राम पिथौड़ थाना किरतपुर तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश, अनवर अंसारी पुत्र सलीम अंसारी निवासी ग्राम पितौरा थाना कायमगंज जिला फरुखाबाद यूपी हाल जमालपुर कला कनखल और वांछित आलोक की पत्नी की तलाश जारी है। पुलिस टीम में प्रभारी एएसटीयू राकेंद्र कठैत, एसआई जगवीर रावत, हेड कांस्टेबल जयवीर सिंह रावत, कांस्टेबल राकेश कुमार, बलवंत विमल, दीपक कल्याणी, रेशमा सुल्ताना, आरती शामिल थे। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल ने बताया कि ऑपरेशन स्माइल के तहत हमारी एएसटीयू की प्रभारी और हमारे जो सीओ एएसटीयू देख रही हैं, इनके निर्देशन में लगातार कार्रवाइयां चलती रही हैं। इसमें आज एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि दो लड़कियां जो नाबालिग भी हैं, जो यहाँ दिल्ली से इलाहाबाद से वो गुमशुदगी की थी और दिल्ली के थ्रू वो यहाँ आई थी इलाहाबाद में और यहाँ ये हरिद्वार में आई थी, यहाँ पर इनको जो शादी के नाम पर उनको आगे दिखाया जा रहा था और उनको बेचने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसको संज्ञान में लेते हुए टिबड़ी के पास में रानीपुर जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें दो जो लड़कियाँ हैं जो नाबालिग हैं इनको सकुशल छुड़ाया गया वहाँ से और चार लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं, इसमें दो लोग अभी फरार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर किस तरीके से मतलब पुलिस को जानकारी मिली, क्या कोई सेक्स रैकेट चला जा रहा था, किस तरीके से मतलब ये जो पुलिस के पास संज्ञान में ये आया था कि टिबड़ी के पास एक मकान में इस तरीके से एक गतिविधि हो रही है जिसमें शादी के नाम पर लोगों को संपर्क किया जा रहा है और ये दो लड़कियों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। जब एएसटीयू की टीम को ये बात पता लगी, उन्होंने अपने प्रभारी के साथ मौके पर छापा मार के दो जो लड़कियां थी उनको, वो हालांकि नाबालिग हैं, उनको सकुशल वहां से छुड़ाया गया। जब उनसे पता किया तो वो 19 तारीख को इलाहाबाद से उनकी गुमशुदगी लिखी गई है, वो यहां से दिल्ली गई थी, दिल्ली में इनके संपर्क में आ गई। जो मुख्य अभियुक्त है वो इसको हरिद्वार में लेके आया था इन लोगों को और यहां से इनको आगे को सेल करने का प्रयास किया जा रहा था, उसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। इसमें 6 गिरफ्तारी हुई हैं, बाकी और भी अन्य लोग इसमें हम लोग पता लगा रहे हैं। सर क्या कोई गैंग है या इस तरीके से कोई कहीं और भी? बिल्कुल, ये एक गैंग के तौर पर ही काम कर रहे थे और इसमें अन्य और इनके खिलाफ मुकदमों को हम लोग खोज रहे हैं और अन्य मुकदमे भी इसमें जल्दी हमें जो भी प्राप्त होगा वो इसमें संज्ञान लेंगे। इसकी कौन कौन सी टीम इसमें लगी? इसमें मुख्यतः हमारी एएसटीयू की टीम है और बाकी थाना रानीपुर के पुलिस फोर्स में लगा हुआ है। तरफ से कोई? हाँ, इसमें मेरी ओर से 5,000 इनाम की घोषणा टीम को की गई है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।